आज आप ये को मैं हूँ अफीरा, मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। टर्किश टेक्नोलॉजीज और टर्किश की जो तुर्कियों की जो टेक्नोलॉजी है स्पेशली उनकी आर्मी के लिए और जो लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं वो आजकल के ज़माने से भी एक दो कदम आगे ही जा रही है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और लीथल चीज़ें वो बना रहे हैं। लेकिन आज से 20 साल के बाद तुर्की की जो फौज है वो कहाँ पर जाना चाहती है, उनका विजन क्या है, वो एक हमारे पास एक एनिमेटेड वीडियो आई है और उसमें बताया जा रहा है कि तुर्की जो जिस ट्रैक पर चल रहा है वो आज से 20-25 साल के बाद किस जगह पहुंच जाएगा। तो फौरन देखते हैं कि ये वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है, क्या विजन है और क्या चीज है, क्या चीज अचीव करनी है। yes. तो फौरन चेक करते हैं। उगुन सीगल यानी कि ओ वाओ, यानी कि ये चीज इतनी आगे, यानी कि वो रोबोटिक टाइप चीज नजर आ रही थी। नीचे सब रोबोट्स लड़ रहे थे और ड्रोन, तो मुझे पता है कि आगे फ्यूचर में ड्रोन्स तो आएंगे, लेकिन वो यानी कि फौजी जो है टीले पे खड़ा है और आगे मशीन्स लड़ रही हैं, यानी कि वो आगे इंसान है ही नहीं, आगे वो फौजी सारे साइड पे खड़े हैं और वो मशीन्स को ऑर्डर दे रहे हैं या उनको ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह की चीज है। वाओ, वो देखा, वो उसके हाथ में शायद रिमोट है कि नहीं, गन है, गन है। 20 इयर्स ऑन रहा, सिर्फ वो है ड्रोन्स हैं और वो लड़ रहे हैं यहाँ पर। वाओ, एसएलसान उनके उस गोगल्स के अंदर ही सारी टेक्नोलॉजी है। वाओ वाओ, वाओ नाइस। सारा वो सिस्टम नहीं था जो सारा वो इसे क्या होलोग्राम या ऐसा कुछ कहते हैं। जहां जहां वो चल रहे हैं और वहां वहां से वो उनको वहां दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये सिविलियंस ड्रोन है जो सिविलियंस करेंगे, जाके देखेंगे आगे दुश्मन कहाँ कहाँ छुप के बैठा हुआ, गारों के अंदर भी। वाह, उनका यूनिफॉर्म देखा है कितना वो रिकॉर्ड ने बता दिया कहाँ कहाँ है। ऑपरेशन प्लान को सब कुछ देख के बताया कि आपने कहाँ कहाँ से किधर जाना है, कैसे जाना है। रोबोट्स देखे जैसे वो एक तो मेटल के लोग हैं, कुछ वो डॉग टाइप के भी हैं मेटल के। जैसे वो भी ड्रोन्स है। नहीं, जो नीचे चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, उसी की बात कर रही हो। नीचे वो भी ड्रोन्स टाइप कुछ हैं। नहीं, ड्रोन नहीं, कुछ और है, जैसे टैंकर होता है ऐसे ही वो है। वो मुझे लगता है कोई इक्विपमेंट है उनका और जिसमें वो चल रहे हैं। इक्विपमेंट नहीं है वो कुछ और है। ये देखो, ये है, ये देखे, हाँ क्या है, ये गन्स हैं उसके ऊपर। गन्स हैं, हाँ, टैंकर टैंक्स की तरह, वो बिल्कुल स्पाइडर की तरह गन्स, उसके ऊपर स्पाइडर की तरह गन्स लगी हुई हैं। ओह
ये माइंस हैं। हाँ हाँ यहाँ पर सब माइंस कुछ हैं। डिटेक्ट हो जाएगा। हाँ उसने सैटेलाइट ने बताया कि यहाँ यहाँ खतरा है। वाओ उसने रास्ता बता दिया जैसे घूम के जाना है और ये हदफ है। चेक करें। वाह ओह वाह पहाड़ों के अंदर भी उनकी माइंड डिटेक्ट कर ली है सारी। ये देखो वाह वहां बैठे हुए लोग जो उनको हाँ, जो असल में जो ट्रेन आर्मी के लोग हैं वो एक मशीन में बैठे हुए हैं। और कर जिस तरह से हमने फिल्म देखी थी रहे हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अवतार देखी थी। अवतार भी थी, अवतार में तो वो हाँ पूरा लेट जाते हैं ना। मैट्रिक्स के अंदर होता था कि वो एक सीट पे बैठते थे और फिर वो लड़ने के लिए कहीं और चले जाते थे। इसी तरीके से हाँ ये सीट पे बैठ के अपने जो अवतार हैं जिसको आप कह सकते हैं कि रोबोट्स हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। वेरी नाइस। ये अच्छा दुश्मन के पास ये ऑलमोस्ट ऐसी ही टेक्नोलॉजी, लेकिन कितनी हाँ एडवांस हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी। वाह जो फौजी जो है वो जख्मी हुआ है या जख्मी, कुछ हुआ है। हाँ हाँ उसको लेने भी उसको चले गए हैं। ड्रोन लेने के लिए आया है, यानी कि उनके पास वो भी ड्रोन है, वो उसको ठीक भी कर देगा। यानी कि उसकी ट्रीटमेंट होगी। हाँ जो चेक करेंगे कितनी इंजरी है, जिंदा भी है हाँ कि नहीं, और उसको वो कर दिया उसने इनविजिबल। हाँ ओ माय गॉड जिसपे उसके उसकी बॉडी को उठाया उसको इनविजिबल भी कर दिया ताकि उसको देख ना पाए। वाह स्पेसशिप्स टाइप सारा कुछ लग रहा है। ओहो बोरे को वो नजर ही नहीं आएगी उसको। अच्छा उसने मारी तो वो ओ उस पे एक ढाल बन गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे कि उसने ऊपर आके बनाया ताकि वो नीचे से मारे और वहां से लेजर वापस रिफ्लेक्ट होके उनको दुश्मनों पर लग उन्हीं जाए। यानी कि ये उसने ऊपर आके बनाया। हाँ यानी कि को अगर आपके बीच में बहुत सारी चीजें हैं तो आप इस वे में भी आप मार सकते हैं लोगों को। हाँ टेक्नोलॉजी है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वाह ये ड्रोन उनको पता भी नहीं लगा ये क्या था। एनालिटिक्स उसके बता दिए सारे। ये छोटा ड्रोन इनके साथ लगा दिया है, बग लगा बना हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन है वो उनके पास चला गया। उनका सारा दिया। डाटा उनकी हर चीज वो वहां से ले रहा है सैटेलाइट से। वाह साइबर सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से ले ली मैं। वर्ड भी उनके इलेक्ट्रॉनिक। वो लगेगा कि बर्ड है। प्रयुक्त वाह 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 अमेजिंग असल था। असल वो वाह वाह अमेजिंग। ये तो कुछ नया बनने वाला है। वाह
लेकिन देखो बनना तो चलो कितने सालों के बाद है, लेकिन उनका विजन देखो ना कि किसी ने अगर ये वीडियो बनाई है या इनका विजन वाकई में हाँ टर्किश आर्मी का यही है, तो कितना एडवांस वॉर जो है वो होने वाली है आगे, कितना टेक्नोलॉजी पे, यानी कि सारी चीज होती है कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत ही खतरनाक थे। अगर ऐसी चीजें इन फ्यूचर बनेंगी तो बहुत ही, यानी कि लड़ाई का जो लेवल है बहुत ही आगे चला जाएगा। हाँ यानी कि एक छोटा बग भी है, परिंदा भी है, वो हर चीज रोबोट में जब तब्दील हो जाएगी। तो उसमें यही चीज दिखा रहे हैं ना कि बर्ड भी आके बैठा, छोटा सा बग भी रिपोर्ट था, रोबोट था, यानी कि इंसान का अमल दखल खत्म हो जाएगा। ऐसे कि तुर्की ने इसकी स्टार्टिंग कर दी है, जो अनमैन फाइटर जेट बना रहे हैं या अनमैन जो एयर व्हीकल जो बन रही हैं, जितने भी ड्रोन्स बन रहे हैं, वो इसी की मेरे ख्याल में स्टार्टिंग है कि उसमें हाँ इंसान तो है ही नहीं, इंसान तो पीछे बैठ कर उसको रिमोट बिल्कुल से चला रहा है। क्यों फिर? हाँ बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी कि इससे इंसानी जाने जो इतनी ज्यादा जाया हो जाती हैं, क्योंकि इंसान जो है बहुत कीमती होता है, फौजी जो होता है बहुत कीमती होता है, उसको किसी और मकसद के लिए या उसको बैक साइड पे रखने के लिए ये टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हैं कि आप क्योंकि फ्रंट पे जाके लड़ना और पहले उनको फेस करना ताकि सबकी जानों को बचाया जा सके। तो अमेजिंग, बहुत अच्छा था ये टेक्नोलॉजी। अगर ये आ रही है तो ये तो बहुत खतरनाक होने वाली लड़ाई है एक तो, और दूसरा ये बहुत सारी जानें बचाने वाली है। अमेजिंग। ऐसा ही होना कि मुल्कों के हाँ आपस में रोबोट्स और टेक्नोलॉजी लड़े, हाँ जो मुल्क हारे वो हार तस्लीम कर ले, इंसानों की बारी ना है, ऐसी हाँ चीज़ है ना। तो हाँ बहुत ही डिफरेंट वीडियो था, बहुत ही अच्छा वीडियो। थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।